सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पर सेट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मोरल बूस्टअप चैनल में आपका स्वागत है। ये दुख की भी बात है और गर्व की बात है, वो है मेरे पिता की। हमारे पिता स्वर्गवास हुए 29 अप्रैल 2019 को, लेकिन उनकी हर शिक्षा, हर रास्ता मेरे साथ है। बैठे बैठे मुझे उनकी दिया हुआ शिक्षा और रास्ता याद आया, तो उनके जो मार्गदर्शक था, उस मार्गदर्शक को लेकर के मैंने एक कविता रचा। वो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे गौर से सुनेंगे, ये आपके जीवन में काफ़ी रास्ता दिखाएगी आपको। तो दोस्तों, आप इसे गौर से सुने और पूर्ण सुने, अंत तक सुने। ओ जन्म लिए निर्धन प्रांगण, ओ जन्म लिए निर्धन प्रांगण, ममता की हत्या हुई। मातृत्व की गोद में पलकर, मात्र दूध पीकर बड़ा हुआ। रो रो कर पीट जाता था, रो रो कर पीट जाता था, माँ की अविरल बाणी से पिता स्वाभिमानी थे। छोड़ कर अपने जीने में शिष्टाचार का अमृतत्व था उनमें, गीता पाठ पढ़ाते थे। संस्कार का दान दिए अपने को, मुश्किल में भी आरोही को। पग पग धूल उड़ा उन पर, फूल समझकर आलिंगन किया। उस पथ को कभी न भूला, जो दिल चुभ निकल गया। कांटा भी सिमट लिया नुकीले को, संस्कृति भरा जीवन में। अडिग रहा चट्टानों जैसा, तूफान भी लड़कर लौट गया। हर मौसम दिखते थे एक जैसा, हर मौसम दिखते थे एक जैसा, तब से बदन निखारा था। बिन पूजा कभी न खाया, राम का नाम जपते थे। लोभ ईर्ष्या शून्य था उनमें, सबको अच्छा पाठ सिखाया। ज्ञान दान सबसे बड़ा पुण्य था उनके जीवन में, ज्ञान दान सबसे बड़ा पुण्य था उनके जीवन में। अर्जित कर बांटा करते थे, कहते थे हम सबको, सिर उठाकर चलना सीखो, लक्ष्य को हमेशा पास रखो, दुर्दिन भी मिट जाएगा। झुकना नहीं जीवन में अस्थाई संसार को, मार्गदर्शक बनो जीवन की अभिलाषा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करता हूं। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर बताएंगे। धन्यवाद।